हेलो एवरीवन, आप लोग मुझसे कई बार ये बात पूछते हैं कि मैम है रीग्रोथ के लिए कोई श्योर शॉट या गारंटेड चीज है तो बताइए। तो आज मैं आपके साथ यही इम्पोर्टेंट न्यूज़ शेयर करने आई हूँ, जो है रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी, ह्यूमन स्टेम सेल एक्सोसोम्स। तो आज ये जो वर्ल्ड की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है रीग्रोथ में काम कर रही है, एंटी एजिंग में काम कर रही है और कमाल के रिजल्ट्स दे रही है, गारंटीड रिजल्ट्स दे रही है। इसके बारे में मैं आज आपसे बात करने आई हूँ। एंड इनफैक्ट आज ये मैं प्रोसीजर खुद अपने ऊपर कराऊंगी और आपको लाइव प्रोसीजर भी दिखाऊंगी। तो जरूर इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। जिन जिन को हेयर का इश्यू है और उन्होंने अपने सारे ट्रीटमेंट्स ट्राई कर लिए हैं, तो इस ट्रीटमेंट को अब ट्राई करना मत भूलिए, बिकॉज इट गिव्स गारंटीड रिजल्ट्स। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्टेम सेल्स है क्या। अब ह्यूमन स्टेम सेल्स आजकल वर्ल्ड में सबसे लेटेस्ट एंड मोस्ट एडवांस्ड ट्रीटमेंट है। जब हम स्टेम सेल्स की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मैं पहले भी PRF के बारे में बात कर चुकी हूँ, अब मैं स्टेम सेल्स, ह्यूमन स्टेम सेल एक्सोसोम्स के बारे में आज बात कर रही हूँ। तो आप सोचोगे कि मैम कभी इस चीज़ के बारे में बताती है, कभी इस चीज़ के बारे में बताती है। तो आप ये समझो कि जो भी वर्ल्ड में लेटेस्ट हो रहा है, मैं चाहती हूँ मेरे पेशेंट्स को उस चीज़ का बेनिफिट हो। अगर आपकी सिटी में या आपके एरिया में ये चीज़ नहीं हो रही है, तो आपको इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि यू डिजर्व द बेस्ट। आपकी हार्ड अर्न मनी है, आपको रिजल्ट आना ही चाहिए। आप जिस प्रॉब्लम से गुजर रहे हो उसके कुछ शॉर्ट शॉर्ट सॉल्यूशंस हैं, वो आप तक पहुंचने ही चाहिए। इसीलिए जितनी भी लेटेस्ट चीज़ें होती हैं, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि दुनिया में कहीं भी कुछ लेटेस्ट और साइंटिफिकली प्रूवन फॉर्मूला अगर यूज हो रहा है, तो हम उसको अपने पेशेंट्स को प्रोवाइड करें एट क्लिनिक एक्जिमस। इसी कोशिश के जरिए मैं आज ह्यूमन स्टेम सेल एक्सोसोम्स के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी और एक लाइव प्रोसीजर भी दिखाऊंगी, जो मैं खुद अपने ऊपर अपने हेयर के लिए करा रही हूँ। मेरी हेयर ग्रोथ जर्नी मैंने शेयर की हुई है अपने एक पुराने वीडियो में, जहाँ मैंने बताया था आपको कि मेरे किस तरह हेयर लॉस हुआ और मैंने उसको किस तरह रीगेन किया। स्टेम सेल हैज़ ऑल्सो बीन अ वेरी गुड कॉन्ट्रीब्यूटर टू माई हेयर रीग्रोथ जर्नी, इसीलिए मैं इतनी कन्विक्शन के साथ उसके बारे में बता पा रही हूँ। होता क्या है स्टेम सेल्स? अब स्टेम सेल्स हमारी बॉडी के वो वाले सेल्स होते हैं जो किसी भी सेल के अंदर एक्टिवेट हो जाते हैं और उनको ग्रो करने के लिए रॉकेट बूस्टर जैसा काम करते हैं। ऐसा पोटेंशियल होता है बेसिकली अम्बिलिकल सेल्स में। आज से कई साल पहले हार्वेस्टिंग ऑफ द सेल्स शुरू हुआ था, एंड उस टाइम पे बहुत सारे बैंक्स भी बन गए थे। तब ये स्टेज बहुत रिसर्च बेस्ड थी। मैं आप बात कर रही हूँ आज से 15 से 16 साल पहले की, जब अम्बिलिकल सेल प्रजर्वेशन की बात होनी शुरू हुई थी। बेसिकली अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है, जो जो नली बच्चे को मदर से जोड़ती है ड्यूरिंग बर्थ, उसके अंदर सारे स्टेम सेल्स रहते हैं और उनके अंदर इतना ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल होता है कि वो किसी भी सेल को एक्टिवेट कर सकते हैं उसका फंक्शन ट्रिगर करने के लिए। बेसिकली रॉकेट को बूस्टर वाला काम करते हैं वो, ठीक है। तो अब यही ह्यूमन सेल्स, मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स हार्वेस्ट होते हैं अम्बिलिकस से। अम्बिलिकल कॉर्ड से हार्वेस्ट होके ये सेल्स जाते हैं लैब में। लैब के अंदर इनको ग्रो किया जाता है, इनको एक मीडियम दिया जाता है कि ये ग्रो करें, और वहां से एक्सोसोम्स निकाले जाते हैं। एक्सोसोम्स ही क्यों? बिकॉज सेल्स एक दूसरे के सेल्स को पेनिट्रेट करना मुश्किल है। एक्सोसोम्स मैसेंजर की तरह है, यानी कि वो एक सेल से दूसरे सेल तक फटाफट इंफॉर्मेशन लेके चला जाता है। तो एक्सोसोम्स हार्वेस्ट किए जाते हैं, ये मैसेंजर्स की तरह है। मैसेंजर्स जब हम हेयर में डालते हैं, तो ये जो हमारे हेयर के डर्मल पैपिला सेल्स हैं, एपिथीलियल सेल्स हैं, इनको ट्रिगर करते हैं, रीजनरेट करते हैं, ब्लड वेसल को ट्रिगर करते हैं, इंक्रीज ब्लड सप्लाई होती है, एंड आप देखते हो कि इंक्रीज रीग्रोथ हो गई। इनके एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहले इसके अंदर, एक्सोसोम्स के अंदर, ह्यूमन स्टेम सेल एक्सोसोम्स के अंदर बहुत इनफाइनाइट ग्रोथ पोटेंशियल होता है, क्योंकि इसके अंदर जो सेल्स हैं, जो इसके अंदर पावर है, वो बहुत ज़्यादा है। सेकेंडली, क्योंकि ये ह्यूमन डिराइव्ड है, तो ये ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत अच्छे काम करते हैं। थर्डली, ये नेचुरल प्रोसेस है। इसमें आपके ही ब्लड के अंदर, यानी PRF के अंदर, हम इन ह्यूमन स्टेम सेल्स को मिक्स करते हैं
और आपके स्कैल्प पे इन्फ्यूज करते हैं। तो हम सिर्फ ट्रिगर कर रहे हैं, रिस्पॉन्स कहाँ से आ रहा है, आपकी बॉडी का खुद का रिस्पॉन्स आ रहा है। तो ये लॉन्गर रिजल्ट वाले रिजल्ट देते हैं, यानी वो वाले रिजल्ट देते हैं जो स्टे करें। इसमें कोई भी एलर्जिक रिएक्शन का रिस्क ही नहीं होता, क्योंकि सब कुछ नेचुरल चल रहा है, क्योंकि ये पेनिट्रेट इतना अच्छा करते हैं। 1000th होते हैं ये साइज में, इतने छोटे से होते हैं कि ये हर जगह सारे सेल्स को जो आपके हेयर फॉलिकल्स हैं वहाँ पेनिट्रेट कर देते हैं और सबको ट्रिगर करते हैं। तो ये एक्चुअली एक बहुत अच्छी रेवोल्यूशनरी टेक्निक है जिसको हम सबको ट्राई करना चाहिए, स्पेशली उन लोगों को जो हेयर लॉस से जूझ रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें और क्या नहीं करें। अब स्टेम सेल, जो हम स्टेम सेल एक्सोसोम्स की बात कर रहे हैं, जो आज मैं अपने ऊपर लेने वाली हूँ, उसके अंदर 20 बिलियन सेल्स हैं और इतने स्ट्रॉन्ग बूस्टर को मैं मिक्स करूँगी PRF सॉल्यूशंस में। अब इसका एक प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल मतलब कि इसको काम करने का एक तरीका होता है। यूजली ये 3 मंथ्स का प्रोसेस होता है। सिवियर से सिवियर हेयर लॉस केसेस में भी हमने इसके रिजल्ट्स देखे हैं, एंड इसमें हम कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट्स करते हैं, यानी कि 3 मंथ्स में हम 6 सिटिंग्स करते हैं। उस 6 सिटिंग्स में सिर्फ 2 या 3 सिटिंग्स ही स्टेम सेल्स की होती है। अगर आपको कम लॉस है तो 2 सिटिंग्स ऑफ स्टेम सेल में ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, लेकिन अगर आपको ज्यादा हेयर लॉस है या बॉल्ड एरियाज है तो उसमें हमें 3 सिटिंग स्टेम सेल्स एक्सोसोम्स की देनी पड़ती है। अब day 0, यानी आज हमने मान लीजिए PRF से स्टार्ट किया, 15 दिन के बाद हमने स्टेम सेल एंड PRF का मिक्सचर करके आपका एक सेशन किया। उसके 15 डेज के बाद यानी 3rd सेशन में हम सिंपल PRF करेंगे, फिर 4th सेशन में हम स्टेम सेल्स एंड PRF करेंगे, फिर 5th सेशन में हम प्लेन PRF करेंगे एंड 6th सेशन में भी हम प्लेन PRF करेंगे, ताकि हर टाइम पे उनको सेल्स को नरिशमेंट मिलती जाए। जो लोग PRF नहीं कर रहे हैं वो PRP से भी इसको कर सकते हैं, पर हाँ, क्योंकि अगर हम PRF करेंगे वो भी एक एडवांस टेक्निक है और ये सुपर एडवांस टेक्निक है, जब दोनों मिल जाएंगे तो रिजल्ट और भी बेटर आते हैं। अगर आप, ये तो हो गया उन लोगों का जिनको मीडियम से मॉडरेट लॉस है, वो 2 सेशंस में हम कर सकते हैं। जिनको ज़्यादा लॉस है उनके लिए हम 3rd सेशन ऐड करते हैं, यानी कि जो 5th सेशन होगा वो भी स्टेम सेल एंड PRF का होगा। तो यूजली ये प्रोसेस 3 मंथ्स का रहता है, जिसमें ये पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है एंड आपको रिजल्ट्स 4th मंथ से दिखने शुरू हो जाते हैं। इनफैक्ट आपको रिजल्ट्स तो 2nd-3rd सिटिंग से ही दिखने शुरू हो जाएंगे, पर और बेटर रिजल्ट्स आपको 4th मंथ से दिखने शुरू होते हैं। अब इसके जो प्रोसीजर होता है, अब उसको समझते हैं। अब जैसे कि आप प्रोसीजर बैकग्राउंड में देख रहे हैं, मेरा प्रोसीजर ये इस तरह किया गया है और यही प्रोटोकॉल हम सारे पेशेंट्स के लिए फॉलो करते हैं। हमेशा प्रोसीजर स्टार्ट होता है बिफोर पिक्चर्स से। अगर आपने अपनी पिक्चर्स नहीं ली तो ये जो जर्नी है उसको ट्रैक करने में हमारे को मुश्किल होती है। क्यों? क्योंकि आप रोज अपने आप को देखते हो, आप माइन्यूट डिटेल्स को मिस कर जाओगे और आपको ध्यान ही नहीं रहेगा कि पहले क्या था और अब क्या है। इसीलिए पिक्चर्स बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं इस जर्नी में। डिफरेंट एंगल्स से पिक्चर्स ली जाती हैं, लेकिन वो एंगल्स कॉन्स्टेंट होते हैं ताकि 2nd-3rd रिपीटेड सिटिंग्स में सेम एंगल से ही वो पिक्चर आए, ताकि हम कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दें उसको असेस करने में। उसके बाद होता है स्कैल्प को क्लीन करना। यूजली पेशेंट्स हेड वॉश करके आना चाहिए ताकि स्कैल्प बिल्कुल क्लीन हो। उसके बाद हमारा स्कैल्प सेलाइन सॉल्यूशन से बिट बाय बिट, एक एक लेयर, एक एक सेक्शन में क्लीन होता है, जिससे कि कोई भी डेब्री ना रह जाए और स्कैल्प में ये सॉल्यूशंस बहुत इजीली पेनिट्रेट हो जाए। उसके बाद ब्लड सैंपल ड्रॉ किया जाता है। ब्लड सैंपल ड्रॉ करने के साथ आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप PRF कर रहे हैं तो आपका वर्किंग टाइम बहुत कम है, आपको फटाफट सब चीज़ें करनी है और एक एक प्रॉपर एंगल्स पे ही PRF सैंपल निकलता है, नहीं तो ब्लड ट्यूब्स में ही क्लॉट हो जाते हैं। इसीलिए बहुत ध्यान से PRF का सैंपल लेना है। यूजली सैंपल 1 मिनट के अंदर ट्यूब में होना चाहिए। हम आज 4 ट्यूब्स ले रहे हैं एंड साथ के साथ इसको हम स्पिन पे डाल देंगे इन अ स्पेशल PRF मशीन। अब यूजली जो PRF का सैंपल है वो 3 मिनट्स में रेडी हो जाता है। मीनवाइल आप देख रहे हैं ये इस तरह स्टेम सेल्स हमारे पास आते हैं। स्टेम सेल्स हमेशा कोल्ड चेन के अंदर ही आते हैं,
ये कोल्ड चेन मेंटेन करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि स्टेम सेल्स को एक्चुअली -20 डिग्री पे रखा जाता है, उस टाइम पे ही उसकी वायबिलिटी होती है। तो अगर आपकी अपॉइंटमेंट आज है तो उसी टाइम ये वाया कोल्ड चेन ही आपके पास आते हैं। स्टेम सेल्स अब हमारे पास आ गए हैं, 20 बिलियन सेल्स हैं इसके अंदर। मीनवाइल मेरा सैंपल रेडी होने के लिए गया है। अब हम इसको दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे। हमारी सारी आर्मेंटेरियम रेडी है, आपने देखा सारी इंसुलिन सिरिंजेस रेडी है, मेरा स्टाफ पूरा रेडी है, सब कुछ ऑलरेडी रेडी है ताकि एंड मोमेंट पे कुछ भी चीज़ें इधर उधर ना हो जाएं, क्योंकि इतना टेक्निक सेंसिटिव प्रोसीजर है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपका सैंपल भी वेस्ट होगा और आपके स्टेम सेल्स भी वेस्ट हो जाएंगे। इसलिए बहुत ध्यान से सारी चीज़ों को हम पहले से ही तैयार करके रखते हैं। अब आप देखिए कि किस तरह ये सैंपल्स मिक्स किए जा रहे हैं। स्टेम सेल्स एंड माई PRF सैंपल्स आर बीइंग मिक्स्ड एंड किस तरह वो मेरे स्कैल्प पे इन्फ्यूज़ हो रहे हैं। यूजुअली हम एक फिजिकल बैरियर टेक्निक यूज़ करते हैं जिससे कि आपको ड्यूरिंग द इंजेक्शन प्रोसीजर कोई भी पेन या डिस्कम्फर्ट ना हो। कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि मैम आप नम कर सकते थे, नम क्यों नहीं किया? नम मैं इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि मेरा फॉलो अप स्टेप होता है माइक्रोनीडलिंग का। अगर मैंने नम कर दिया तो जो जो नंबिंग क्रीम है वो हेयर फॉलिकल्स को क्लोज कर देती है और मेरा सेकेंड स्टेप वेस्ट हो जाता है। इसलिए मैं फॉलो अप ज़रूर करती हूँ विद अ माइक्रोनीडलिंग प्रोसीजर ताकि कोई भी एरिया, इवन 1 मिलीमीटर ऑफ एन एरिया या एक छोटा सा फॉलिकल भी रह ना जाए उस न्यूट्रिशन के बिना, तभी आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये पूरा प्रोसीजर आप देखिए कि किस तरह किया जा रहा है। पूरा माइक्रोनीडलिंग प्रोसेस माइनर माइनर सेक्शंस लेके सब जगह किया जा रहा है ताकि कोई भी एरिया बिल्कुल भी मिस ना हो। वंस दिस इज ऑल डन, दिस इज द टाइम जब ब्लड फ्लो इंक्रीज करने का टाइम है, इसीलिए लेजर हेल्मेट सेशन विच विल बूस्ट द ब्लड फ्लो और इस सेशन को डबल रिजल्ट पे लेके आएगा। तो एक 20 से 30 मिनट्स का लेजर सेशन चल रहा है एंड उसके बाद यू विल बी फ्री। मोस्टली कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं प्रोसीजर के बाद, स्पेशली 24 आवर्स तक आप कोई भी हैवी वर्कआउट्स मत करिए, फॉरवर्ड बेंडिंग्स मत करिए, हेयर वॉश मत करिए। ये सिंपल स्टेप्स हैं। यूजली पेशेंट अपने ऑफिस से ही हमारे पास आते हैं एंड आराम से कहीं पर भी ड्यू आफ्टर द प्रोसेस चले जाते हैं। माइल्ड ट्रांजियंट डिस्कम्फर्ट होता है जो ड्यूरिंग द लेजर हेलमेट वैसे ही सबसाइड कर जाता है, कोई लॉन्ग टर्म आपको डिस्कम्फर्ट या पेन नहीं रहता। ओवरऑल एक बहुत कंफर्टेबल प्रोसीजर है। एंड यस, अगर बाल उग जाए और मेरा हेयर क्वालिटी इंप्रूव हो जाए तो उससे बड़ी खुशी तो और कोई हो ही नहीं सकती। तो ज़रूर ह्यूमन स्टेम सेल एक्सोसोम्स के बारे में हमसे पूरी इंफॉर्मेशन लीजिए, नीचे दिए गए नंबर्स पे हमें कॉन्टैक्ट करिए और हमारी हेल्प लीजिए अपनी हेयर रीग्रोथ जर्नी में। सो दिस इज डॉक्टर प्रेरणा तनेजा साइनिंग ऑफ विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो विद द मोस्ट रीसेंट एडवांसेस ब्रॉट टू यू फ्रॉम क्लिनिक एक्जिमस। टिल द नेक्स्ट टाइम स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।